हे गाइस, हर हर महादेव। तो आज हम बात करेंगे मशीन की इन ऐसी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो हम सिलाई करते वक्त बहुत ध्यान देना जरूरी होता है, या ये समस्याएं हमारे साथ कभी कभी होती ही रहती है जब हम सिलाई करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ी समस्या है ये जो हमारा बीच बीच में डंका, बड़ा बड़ा डाका मारता है, वो वाला जो समस्या है वो बहुत होती है मेरे साथ। वो भी ये साड़ियों का बेडशीट बनाती हूँ तब सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ दो टिप्स और आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे सिलाई नहीं लगा है, शुरू में फिर लगा है ये, उसके बाद फिर डका छोड़ छोड़ कर ये सिलाई जो है लगा है। और ये बेडशीट बनाते हुए मुझे ना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समस्या को मैं बता रही हूँ क्या करना होता है। सबसे पहले जो हमारा ये वाला जो सुई वाला है, इसको हमें यहाँ पे पीछे साइड जो है एक नट दिया होता है, जिसको हम क्या करेंगे, उसको ढीला करके, इस पेचकस से ढीला करके हम उसको नीचे की साइड, इसको नीचे कर लेंगे सुई को। तो फ्रेंड्स, हमारा जस्ट ये अभी लाइट गोल हो गया। तो मैंने क्या किया, ये जो हमारा गज है इसको ढीला करके, जो इस साइड नट दिया है उसको ढीला करके हमने सुई को नीचे कर लिया है और इसको कस लिया है। तो चलिए अब हम सिलाई लगाकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो मैंने इसमें ब्लैक का फैब्रिक लिया है दोस्तों, ताकि आप लोगों को सिलाई जो है साफ से दिखाई दे, और वाइट कलर का धागा लिया है। तो चलिए चलाते हैं। ये हमारा सिलाई जो है परफेक्ट आया है दोनों तरफ की, ये देखिए। अब दूसरी प्रॉब्लम को बताती हूँ। हमारी दूसरी समस्या ये है फ्रेंड्स कि ये जो हमारा नीचे का धागा में जो लूप आता है इस तरह से, ये ऊपर से भी ढीला ढीला है और नीचे साइड जो है लूप आया है। चलिए हम आप लोगों को आपके सामने एक बार और सिलाई लगा के दिखाते हैं। ये इस तरह से सिलाई में जो है लूप आ रही है। तो ये किसके कारण होता है, जो हमारा टेंसिल जो है ये, इसका इसमें जब धागा फंस जाता है या फिर ये जो नट जो है ढीला रहता है, तब ये इस तरह की सिलाई जो है आती है। तो इसको हम कस के देखते हैं कि सिलाई कैसे आती है। ये इस तरह से कस दिया और ये जो धागा फंसा है उसको निकाल लेते हैं। तो चलिए अब सिलाई लगा के देखते हैं। तो ये हमारी तीसरी सिलाई बिल्कुल सही आई है, जो कि हमने ये टेंसिल को कसा है तब। एक बार और लगा देते हैं सिलाई। इस तरह से हमारी सिलाई आ रही है परफेक्ट, और ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो हमारी तीसरी समस्या है फ्रेंड, ये जो ऊपर की साइड जो है लूप निकलती है सिलाई करते वक्त, कभी बड़ा बड़ा निकलता है कभी छोटा छोटा, ये प्रॉब्लम हमें सिलाई करते वक्त होती ही है। ये इस तरह से जो लूप निकलती है दानेदार, जिसको हम दाने भी बोल सकते हैं, ये दाने भी निकलते हैं, इसको हम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा बॉबिन है उसको, बॉबिन को इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद ये हमारा धागा देखिए कैसे निकल रहा है, ये धागा जो है इसका वजन, बॉबिन के इसका वजन जो है नहीं दे पा रहा है। तो क्या करेंगे, जो हमारा ये नट है ये ढीला है, इसको हम इस तरह से कस लेंगे। ये इस तरह से कसा गया और ये जो बॉबिन केस है इसका वजन अच्छे से नहीं पा रहा है। तो देखते हैं इस बार सिलाई अच्छे से आएगी।
नीचे का धागा ऊपर ले आते हैं पहले इस तरह से, और इसको पीछे की साइड कर देते हैं दोनों को। इस तरह से हमारा ये चौथाई सिलाई जो है ठीक से आई है। तो इस तरह से हमारी एक बार और सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी तीसरी समस्या का भी समाधान मिल गया है। फ्रेंड आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।